एक सिंगल भी लेते हैं भाई साहब, कहाँ पे पटनों की बिल्ली का अंदर। अब देखिए जैन मंदिर है, ये हमारे लोकल गाइड अलग अलग टेक्निक से फोटो लेते हुए। और ये पूजा पाठ के लिए कक्ष होता था लेडीज के लिए, ये शीशा मेरे रिफ्लेक्टेड मारते थे लाइटिंग होती है। ऐसा कमाल जगह ले यार, मैं फैन हो गया आपका। और ये 18-19 सेंचुरी का करेंसी है, ये करेंसी का जीरोक्स कॉपी है, तो ये कोर्ट स्टैम्प एफिडेविट और प्रॉपर्टी डीलिंग में यूज होता था। ये 1,00,000 रुपए का नोट कभी नहीं देखा होगा, जो स्वतंत्रता से पहले का है। ये अंग्रेजों के टाइम का है, 10,000 रुपए का। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1955 में 10,000 रुपए का करेंसी निकाला था, तो ये करेंसी का जीरोक्स कॉपी है, तो ये कोर्ट स्टैम्प एफिडेविट और प्रॉपर्टी डीलिंग में यूज होता था। ये कब का है? ये तो ज्यादा नहीं, 1970-75 के बाद का, ज्यादा पुराना नहीं। 1,00,000 रुपए का नोट, ये अभी बंद हुआ है मोदी जी ने। जैसलमेर जब स्टेट था, राजा का टाइम था, तो राजा के टाइम की वजन है, उस जमाने में शेर चलते थे, एक शेर 870 ग्राम का होता था, 1 kg 1000 ग्राम, आज भी 1000 है। ये ओल्ड कॉइन्स, तो पटवा वॉज द क्लेवर मर्चेंट यूज फॉर द ओल्ड कॉइन्स इन द वेट, तो ये वेट इन द मेजरमेंट होता था। जब इंडिया अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, तो इंडिया का फर्स्ट करेंसी कौन सा था, प्राचीन मुद्रा कौन सी थी? इंडिया की फर्स्ट मुद्रा थी फूटी कोड़ी, फूटी कोड़ी नहीं दूंगा, फूटी कोड़ी से कोड़ी बना, कोड़ी से दमड़ी, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, दमड़ी से ढेला, ढेला से टका, टका से पाई, पाई से पैसा, पैसा से आना, आना से रुपया, 16 आना होते तो 1 रुपया, 8 आना होते तो 50 पैसा, 4 आना होते तो 25 पैसा, ये वेट इन द मेजरमेंट होता। ये बुक कैसी है? ये ताथीराम के हिंद लॉ का किताब है, कानून का। जब अंग्रेज आ गए 1860 में, तो उस टाइम का कानून लॉ चलता था, उसका किताब है। ताथीराम के हिंद दफा 302 के तहत आपको फांसी की सजा दी जाती है। अच्छा, ये विंटर लैंड कटर, 5 सुपारी, ड्राई फ्रूट, अखरोट और अफीम काटने में सेठ सेठानिया शानदार परंपरा के सरोते यूज करते थे, चांदी का, पीतल का, तांबे का, लोहे का। ये किस चीज के बने होंगे? ये चांदी का, पीतल का, तांबे का, लोहे का, ये अलग अलग है सब, अलग अलग है। ये चांदी के है, वो चांदी का है, पीतल का है, लोहे का है, ये कटर नहीं है बस, जो मतलब ऐसे अफीम काटना, ड्राई फ्रूट, अखरोट, 5 सुपारी। और ये पुराने पंखे, हाथ वाले एम्ब्रॉयडरी और मिरर वर्क है। और ये गूगल से 18-19 सेंचुरी चश्मे है, तो मुनीम लोग आँखों का, मुनीम लोग अकाउंट का काम करते थे, तो 18-19 सेंचुरी में आँखों का इलाज आ गया था, तो ये नजर और धूप के चश्मे है। अरे केड़ू कह रखी हो, इस टेबल पर रख दो, ऊपर ना रखो तुम यहाँ पे। और ये इनका अकाउंट सेक्शन है, अकाउंट सेक्शन मुनीम चैंबर, ये मुनीम का अकाउंट सेक्शन है। जब बाहर से गेस्ट मर्चेंट आते थे, तो ये लोग वेलकम के लिए अफीम का पानी पिलाते थे, वो अफीम रखने का बक्सा है, अफीम का पानी फिल्टरों के कुप्पी में, हाथ से वेलकम। ये 150 साल पुराना पंखा, जो अंग्रेजों के टाइम का है, नॉन इलेक्ट्रॉनिक एंड मेड बाय लंदन का है, जो मिट्टी के तेल से चलता था, केरोसिन ऑयल से। और ये 70 साल पुराना रेडियो, 100 साल पुराना टाइपराइटर, ये पटवा सेठ लोगों का 5वीं पीढ़ी है। तो ये लोग 17वीं सेंचुरी से लेके 1947 और 1949 तक इन हवेलियों में रहे। इंडिया पाकिस्तान का डिवाइडेशन हो गया, सिल्क रूट खत्म हो गया, जैसलमेर में अकाल पड़ गया, ओपियम के ऊपर बैन लग गया, समुद्री जहाजों द्वारा, बंदरगाहों द्वारा बिजनेस चालू हो गया, तब इन्हें माइग्रेट हो गए, बड़े बिजनेस के लिए बाहर जाना पड़ा, बाहर इन्हें रुपये पैसों की जरूरत पड़ी, तो इनके लड़के और ग्रैंडसन आए। जैसलमेर बैकवर्ड हो गया था, और किसी ने कान भर दिए कि भूकंप आते हैं, बारिश आती है, तूफान आती है, छतें नीचे गिर जाएगी, वो हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, इससे अच्छा जो मिल रहा है। तब इन्होंने कोठारी और बराज को अबिलिया से लव एट ए टाइम इंदिरा गांधी जो रेशन हेरिटेज, उनका फैमिली कोटा में, एमपी में, बॉम्बे में, पूना में, यूएसए में, अलग अलग जगह बसा हुआ है। एक फैमिली है जो दो अवलियों के ऑनर है, वो रह सकते हैं, बेच नहीं सकते। और ये अलमारियाँ सामान रखने के लिए, ये 250 साल पुराना है, ये सभी बिल्कुल
और ये इनके सोने चांदी के टूल्स है जिसे ये लोग सोने चांदी का कुंदन का ज्वेलरी बना के राजा रानी के आगे नजर आना और पूरे एशिया में एक्सपोर्ट। आज भी यहाँ का कुंदन का जड़ाऊ का काम फेमस है तो फॉरेन कंट्री में भी एक्सपोर्ट होता है। कल्याण ज्वेलर्स, तनिक ज्वेलर्स, पीवी ज्वेलर्स, तो यहाँ के सुनार लोग एक्सपोर्ट करते हैं। जैसलमेर बैकवर्ड होने के कारण, जैसलमेर बैकवर्ड होने के कारण यहाँ का जो मेकिंग चार्ज है 80 से 90 रुपये प्रति ग्राम है और कल्याण ज्वेलर वो हॉलो मार के 1000 से 1200 रुपये लेते हैं क्योंकि वो बड़ा शोरूम लगा के बैठे हैं। वो घरों में काम होता है और काम के हिसाब से वो लोग पैसा सुनार लोग वसूल करते हैं। ये भी सर क्या से कैसा लग रहा है उसका किस में आ रही क्या चल अद्भुत नजारा है ये 250 साल पुरानी हवेली क्या चल रहा है अरे वो उसमें जा रही ये पंखा देखिए 150 साल पुराना तेल से चलने वाला पुरानी पुरानी चीजें देखकर डिटेल सर आप कैसे चला सकते हो उस पंखे को तेल में ना है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ये पंखा ये ट्रांजिस्टर 70 साल पुराना ये भी तब का ही है। हाँ ये उसे रिस्टोर किया हुआ है मेंटेनेंस। छतें लकड़ी की होती थी फर्श मिट्टी के होते थे तो लकड़ी गर्मी में ठंडा सर्दी में गर्म मिट्टी के लिपाई वाले बिल्कुल ये बाद में हुआ है। ये टूरिज्म स्टार्ट होने के बाद में क्योंकि डस्ट उड़ रहा था काफी लोग तादाद में टूरिस्ट आ रहे थे उस हिसाब से ये मुनीम के बैठने का होगा ना वो। हाँ ये नौकर को बुलाने के लिए हमारे जो गाइड नहीं ये बैठ के लिखते हैं ना ये जैसे कमाल का ऐसे लग रहा है लाइव पता चल रहा है सारा का सारा गाइड जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। उनका अकाउंट का बुक्स है जो अंडरग्राउंड में मिला हुआ ये भाई तो ये तो ताजी लग रही है पुरानी है वो भैया पुरानी है जो इनको बेसमेंट में मिली थी सेठ लोगों की मतलब 60-70 साल पुरानी होंगी बस नहीं 19 सेंचुरी की है 100-200 साल पुरानी भैया ये खराब नहीं हुई फिर कागज नहीं कुछ नहीं हुआ पैक थी ना धागों में बांधी हुई थी कैसे खराब होगी कागज भी आजकल बुक्स भी पुरानी रखी रखी हो जाती है कागज भी अच्छे होंगे सर एकदम लाइव फील आ रही है पूरी की पूरी है बारह घंटे घड़ी चलेगा ये जेरॉक्स कॉपी कार्बन लगा के लोग फाइट करते थे फोटो कॉपी होता था आज जापानी मशीन आ गया और ये 80 साल पुराने पंखे 1935 के बाद राजा के टाइम में जेनेट वाला लाइट आ गया तो सेठ और सेठानी दोनों हवा खाते थे ये दोनों पंखे राजा के टाइम में दिल्ली से लकड़ी का है पुराना पुराना इस तरह के दोबारा बनने लग गए लकड़ी के ना बनने लगे नहीं लकड़ी के नहीं इस तरह की शेप के दोबारा हाँ देखिए सर इतना लकड़ी का पंखा हमाल वाकई में सब नहीं है हर दुकान में मिल जाएगा लेकिन इन्होंने स्पेशलिटी बताया जब जेल लोगों के औरतें पूजा पाठ में कि ये कोटा डोरिया पूजा दर्शन के समय पिंक दीपावली से दिन पहले ये वर्षा ऋतु ये सूर्य पुत्र ये शादी के कार्यक्रम में और ये यहाँ का ट्रेडिशनल है जब सेठ सेठानी और राजाओं के टाइम में शादी होता था तो ऐसा कॉस्ट्यूम यूज करते थे मारवाड़ी में से बोलते ईश्वर गणगो शिव पार्वती गणगो राजस्थान का बड़ा फेस्टिवल है हाँ हाँ मैंने देखा बाद में आता जो बैचलर लड़की तो 15 रुपए से 5 रुपए रूम पे ही काम करती है ये अलग अलग साड़ियाँ उनके अलग अलग फंक्शन के टाइम के फेरों के समय वो ये पालकी जो पेंटिंग में दर्शाया तो प्राचीन टाइम में लेडी का फैशन ऊपर नहीं होता था घूंघट प्रथा थी आज भी कुछ गांवों में साइडों में जो हुक्स है कपड़े से कवर करके सेठानी को बार और शादी में यूज होता था ये कम्बोट है सेठ सेठानी ब्रिटिश लोगों के लिए ये फोल्डिंग वाला साइकिल जो अंग्रेजों के टाइम का है लंदन का है तो ये रूम के अंदर रूम बना हुआ है कुछ कमरे गर्मी में ठंडे कुछ सर्दी में गर्म तो ये क्लाइमेट के हिसाब से हवेली और हवेलियों के कमरे बने हुए जलवायु को देखते हैं हाथी घोड़ा पाल की ये रस्ती कैसे है भाई जैसे पांच हवेलियां हैं जैसे आपने बड़ी गेट पे एंट्री किया तो पांच हवेलियों में मेन गेट पे अंडरग्राउंड में ये सब ताले यूज होते थे ये ताला हस्बैंड एंड वाइफ का सेठ और सेठानी का है अगर उस जमाने में सेठानी को ज्वेलरी चाहिए तो सेठ जी के पास जाना पड़ता था अगर सेठ जी को रुपया पैसा चाहिए तो सेठानी को दोनों चाबी एक साथ होगा तो ये लॉक ओपन होगा अगर सेठ सेठानी का हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया किसी को कुछ नहीं मिलेगा तो बैंकर्स थे पैसा फाइनेंस रेवेन्यू टैक्स होते थे जैसे आजकल लॉकर होता है ना हाँ, दो दो चाबी एक वो करेंगे हाँ हाँ
और ये आजकल इनका भी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ज्योतिष के हिसाब से राशि बल के जो कुछ शिखड़ियाँ ऐसी थी जो राशि बल में विश्वास करती थी तो ये स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि का ये सिंह राशि का मीन मिथुन मकर अलग अलग ताले ये राशियों के हिसाब से ताले और इनका जो बिजनेस चलता था कैमल कारोबार कैमल है जो डेजर्ट का सिप है आप देखिए कितने देख ले। वैसे आजकल वैसे कन्वर्ट कर बदल दिया बदल दिया वेस्टर्न डिजाइन में। अच्छा पहले फिर कैसे था नीचे क्या हो तो पत्थर लगे रहते थे और नीचे विंडो बना रहता था एसटीएससी वाला लेके जाता था डॉक्टर साहब हमारे भी था ये वाला ना वो बना देते थे सीट ऐसे और फिर जमा आपके थी ये ओपन कोर्टयार्ड है हवा और रोशनी के लिए। वाह सुनो सुनो बेडरूम आ गया जी बेडरूम अब ये सेठ सेठानी का बेडरूम है सैन कक्ष तो ये चांदी का पलंग है 200 साल पहले का जैसलमेर के कारीगर द्वारा बनाया हुआ है। आप भी जैसलमेर में चांदी का काम फेमस है डिजाइन वाला तो ये पिकॉक को डांस करते दिखाया जो इंडिया के नेशनल वर्ड से पिकॉक को सोते लाइन जर्जरी हुए का बेडशीट ये दो फ्रेम है छोटे बच्चों का इंग्लैंड से आया हुआ है ग्रामोफोन चौपर तिजोरी ओल्ड बक्से ये तो वहाँ से आए बाहर से बाहर के आए इंग्लैंड से ये फ्रेम बाहर के लिए ग्रामोफोन बाहर का है तो बाकी अपने इंडिया का चौपड़ कोई बनी है और ये चांदी का पलंग जैसलमेर के कारीगर द्वारा बनाया हुआ है। शकुनी हिंदू जैन धर्म में सबसे पहले पूजा गणेश का होता है तो ये सब पुराना ऑथेंटिक काम है। इन छतों में दीमक लगा ये डैमेज हो गई थी तो उसी पैटर्न में दोबारा रिस्टोर मेंटेनेंस करके कैमरे लगा दिए हर हवेली के रूम में कैमरा जो पर विजिट कर रहे नीचे सब वॉच हो रहा है ये ड्रेसिंग रूम ये पालने का क्या था लकड़ी के साथ हर चीज में मिलावट आप बटर हो गए घी लोग आपको प्योर मिलेगा का काऊ का नहीं मिलेगा कारीगरी में भैंस बारीक कारीगरी है हर चीज में मिला मशीन का लगता है मशीन था ये हाथ का था ये हाथ का था ये ड्रेसिंग रूम है ये गोल्ड वाटर 16 सिंगार लकड़ी के ऊपर बेल्जियम का ग्लास और ये ओल्ड स्विंग मशीन है विलन का रिसेंट हमने का मेड बाय यूएसए 120 साल पुराना सिलाई मशीन है चांदी के धागों द्वारा बनाया हुआ साड़ी केरोसिन से चलने वाला आयरन अरे केरोसिन से चलने वाला आयरन अंग्रेजों के टाइम का अजीश अभी अपन खड़े हैं ना तो अपन को गर्मी लग रही है ना ठंडी लग रही है क्लाइमेट के हिसाब से आ गई अपनी हुई और अगर ठंडी हवा चाहिए ये सब खिड़की खोल दो ये वाला ये तीन चार पीछे वाले तो हवा आएगी ये गर्मी में खोलते हो ये पुरानी पटवा वैली जैसलमेर ती सीढ़ियाँ देखी वाकई में कमाल मतलब कौन है हर अभी में जो रसोई होता था हाँ। जब बाहर से गेस्ट मर्चेंट के अंग्रेज या बड़े व्यापारी आते थे हाँ। तो उनका खाना ऊपर बनता था अच्छा। तो ये लोग बारिश के समय अंदर खाना बनाते थे गर्मी और ठंडी में बाहर अच्छा। कोई मिट्टी लोहे के चूल्हे होते थे लकड़ी कोयले वगैरह जलाते थे साथ में कैंप फायर भी होता था जो भी धुआं इन खिड़कियों से बाहर निकलता था तो ये 100-150 साल पुराना ओल्ड था तो वह बड़े लोगों का बैठक का कक्ष है चांदी का फर्नीचर है बाहर से जैसे की कारीगर अच्छा पर बड़ा का तो 101 साल पुराना है क्योंकि इंग्लिश टाइप का है सारा का सारा इंग्लिश लोग टाइम का है 200 साल पहले का 150-200 साल पुराना है वहां तो बासुना भगवान है ये लोग बासुना जैन है रूम मीटर भी वाह और रूम मीटर है कोई कंपनी का है क्या ये केरोसिन रूम मीटर लिखा है केरोसिन तो फ्यूल हो गया ना पर होगा तो कंपनी का किसी ना किसी और ये इसी में डाल के पिलाते ये दो सुराई अफीम का पानी और वाइन डाल के गेस्टों को वेलकम लकड़ी के ऊपर गोल्ड वाटर चाइनीज डिजाइन में पूरा वार वर्क है और ये ग्रामोफोन उस जमाने का टेप रिकॉर्डर और ये 1930 का फ्रिज है फ्रिज है तिजोरी है अच्छा फ्रिज नॉन इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज ये उस केरोसिन से चलता है ये भी केरोसिन से कटवा के मिल के आया था अच्छा तो ये लोग अंबानी थे उस जमाने के राजा के टाइम के ये फोन ही तो गई ये क्या ये है ये तो फोन है ये तो ये फोन है और यहाँ ड्रैगन को दिखाया चाइनीज एनिमल जिनके मुंह से आग निकलता है या लंग दिखाया है जीभ हर जगह बना हुआ है तो ये पूरा चाइनीज है अंग्रेजों के टाइम का मतलब सितार 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 ये भी आग लगी आग का खोलना है तो
पुराना है, कैरोसिन से चलने वाला। सर ये देखो यहाँ खड़े हो जाओ, और गवर्नमेंट अप्रूव कर दिया है, बड़ा रखे हो, भीड़ होगा बिल्कुल, और शिवरात्रि है, शिवरात्रि है, हर एक थोड़ा प्रसाद जगह बना जगह बना दो, कोर्ट के पास में अगला ज्योतिष इनकी जो ये लोग ज्योतिष वास्तु भूगोल खगोल अर्थशास्त्र नीचे पत्थर का घड़ी उस पर नंबर और चार दिशाएं, ये संगाई जिस नंबर पे इसका शैडो पड़ता था, तो ये लोग समय को जान के ब्राह्मणों से एडवाइस लेके कई महीने कई साल जैसे जयपुर दिल्ली में जनता पहुंचे उसका लेटर टिकट दिखाओ, टिकट के पोस्ट का लेटर जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गया, इंडियन पोस्ट चालू हो गया, तो इंडिया में जो पोस्ट ऑफिस स्टार्ट हुआ था अंग्रेजों के टाइम में, इंग्लिश जो एजुकेशन देन है जो अंग्रेजों की है, तो ये पोस्ट का लेटर विक्टोरिया एडवर्ड किंग जॉर्ज के टाइम के है, तो पूरे एशिया में पटवा सेठ लोगों का 350 शॉप्स था, ड्राई फ्रूट का, स्पाइस का, अंगीन का, एलिफेंट आंगली का, फीम सोने चांदी का, तो लोग बीस का डीलिंग पोस्ट कार्ड हो रहा, पोस्ट कार्ड से पहले इनके एम्बेसडर से पहले डिजन, अब आ गया व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, अब तो कोई टेलीग्राम भी नहीं गया, कबूतर से ही है, अब ये उस जमाने में कमरे सब रहने के लिए होते थे, बहुत बड़ा फैमिली था, आज भी बड़ा फैमिली है, यहाँ फॉरनर ज्यादा आते हैं, तो यहाँ टूरिस्ट अट्रैक्शन के हिसाब से इंडिया का कल्चर दिखाने के लिए टर्बन्स ऑफ इंडिया पगड़ी और साफे रखे हुए हैं, तो प्राचीन टाइम में आदमी का जो पहचान होता था कास्ट और एरिया के हिसाब से, जैसे राजपूत है, ब्राह्मण है, मुस्लिम है, मुनीम है, फार्मर है, विष्णुई है, जाट है, चौधरी है, पटेल है, और सन्यासी है, मल्टीपल में भी यूज होता है, शादी में भी यूज होता है, पगड़ी आदमी का इज्जत भी होता है, हेलमेट का भी काम करता है, सम्मान के हिसाब से भी पगड़ी पहनाते हैं, और पगड़ी रस्म भी होता है, और ये 1875 का कैमरा है जो मेड बाय इंग्लैंड का है, इसी कैमरे से हवेली का जिराक्स किया हुआ है, ये दो नंबर वाला बिल्डिंग जहाँ मैंने फोटो लिया था, ये बाथरूम विंडो बालकनी में खड़े हैं, और ये नीचे पूरा डेजर्ट है, ये डेजर्ट के ऊपर हवेली बना हुआ है, ये हवेली का गेट है, ये पांच बिल्डिंग, इस फोटो को 115 साल हो गया, हवेली 240 साल पुराना है, तो ये हारमोनियम विद पियानो पैरों से भी चलता है, हाथ से भी, मेड बाय जर्मन, और ये महावीर बॉन्ड, महावीर भगवान का जन्म आता है, तो ये रथ और ये किला जैसलमेर का सुनार, इसके इसके पास के अंदर धान का शॉप है इस साइड में, ये व्यापारिक टैक्स मंडी था, ये पूरा रेगिस्तान है, जितने भी लोग सब पकड़ी हुए, और ये परफ्यूम कराची चाइना से घोसले आते थे, सेठ लोग पानी की समस्या थी, ये लोग पानी की कमी होती है, इमरजेंसी कोई फंक्शन होता है, बॉडी को ठंडा के बॉडी ऐसा बहुत हटाने वाला पानी नहीं होता, इतना ठंडी पड़ता है, इतना दस गुना या गर्मी पड़ता है, ये लाइटिंग, ये लाइटिंग 1910 का फोटो है, ये लाइटिंग चाइना की है, बाद की है, पुराने टाइम की है, गुला गुला कपड़ा पहनता आदमी बढ़िया करने लागे, ऐसे देखे ढीला हो जाए, मैं फिर उसने और भी वो करना है ना, अब ये वाला जो कक्ष है सेठ छेड़खानियों का प्लेइंग रूम एंटरटेनमेंट का, तो उन्होंने देख कैसे चौसठ है, चौपड़ है, गेम्स खेलते थे और संगीत सुनते थे, ये लकड़ी के ऊपर गोल्ड वाटर है, बेल्जियम का ग्लास है, स्टोन वर्क है, ये मुगल पेंटिंग है, ये हिंदू पेंटिंग है, तब ये हवेली बन रहा था तो रुपया पैसा नहीं था, बाटर सिस्टम था, अनाज के बदले काम, तो इन हवेलियों को बनाने वाले जो कारीगर थे वो तीन साइड के थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, पाकिस्तान से मुस्लिम, जैसलमेर के लोकल, गुजरात के सोमपुरा के ब्राह्मण, तीनों ने मिलकर अंदर बार वर्क किया है, ये जोधपुर का क्लॉक टावर जो कॉपीराइट करके नया बनाया हुआ है, अच्छा ये कहाँ पर है, जोधपुर, जोधपुर में, तो 2003 में जोधपुर के महाराजा अगत सिंह जी क्रिसमस न्यू ईयर बना है, उनके द्वारा गिफ्ट किया हुआ है, जोधपुर पत्थर का ही है, और ये देखो चश्मे कैसे कैसे लाइव दिखा रखे उन्होंने ना, लाइव दिखा रखे हैं, हां क्या है, ये सुंदर है, ये शिव जी है, तो 200 साल पहले फोटोग्राफी नहीं था, हां तो पेंटिंग बना, कल्पना के आधार पर पेंटिंग है, तो दिस बिल्डिंग बिल्ड बाय गुमानचंद बाफना, और ये इनके पांच लड़के मुनीम, अफीम, कथाली, सोने चांदी के सिक्के, थार का डेजर्ट, थार का डेजर्ट, और ये कोठारी जी जिन्होंने खरीदा था, टेरेस से बेस्ट व्यू है फोर्ट का, वाह जी वाह, बस टेरेस पे फोटो खींचेंगे फाइनल, नहीं नीचे भी दो माला नीचे रख सर, जितना ऊपर है उतना नीचे भी है, ये तो फिर आप की तरह है, अच्छा
स्टेशन है आगे वाला, ये फ्रंट है। हाँ, तो उधर से जो दिखता है वो बैक है। वो बैक है। ओके। यहाँ खड़े हो जाओ। देखिए पटुओं के वैली के ऊपर से सोनार किला, जैसलमेर फोर्ट का पूरा नजारा, सब कुछ स्वर्ण नगरी, पीला पीला, क्या बात। और हमें एक गाइड मिले हैं, वाकई में बहुत अच्छे हैं। हमें किसी ने सलाह दी थी कि जी गाइड थोड़ा सा अगर आप बड़ी उम्र कर लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा, और वाकई में इन्होंने खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया, हमें भी अच्छा लगा पूरी डिटेल इतनी जान के। ये है सर, आपका नाम क्या है? कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। आपका नाम क्या? हमने नाम कृष्णकांत। कृष्णकांत जी, ये देखिए कलाकारी के पास, ये हमारे फोटो का आनंद लेते हुए। बॉर्डर इलाके में लो, कटिंग ले लो, आटा गूंद लो, रोटी बना लो, चपाती बन जाएगी। कितना 55 टेम्परेचर? हाँ 50 तक तो बिल्कुल। मई जून जुलाई 3 महीना चलता है, अगस्त में थोड़ा बहुत बूंदा बंदी होती है तो ठीक है, नहीं तो टेम्परेचर या गर्म लू चलती है। देखना राम सर, उनसे ये स्टाइल है। अच्छा एक साइड से चलते हो आप, हमें तो देखे ये चढ़े तो लिखो मेरे पटे इतने ऊपर चढ़ गए, है ना, दिखाते गए ना भाई, देख कर आराम से। अब दो स्टोरीज के नीचे अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड के नीचे अंडरग्राउंड है, तो उस जमाने में तो अफीम सोना चांदी रखते थे, अभी ये सभी अपनी शॉप से देखो। शॉप से शॉप है यहाँ पे सेमी कॉर्पोरेट, सेमी कॉर्पोरेट दुकान है, शॉप्स सेमी कोऑपरेटिव। ये अब का ही है क्या काम? हाँ यहाँ का है, जैसलमेर का। अब ये अंडरग्राउंड एक स्टोरी आ गए हैं, और जितना इसका हाइट है उतना उतना नीचे भी यहाँ स्टेप्स बने हुए हैं, और ये जैसे फर्नीचर इसकी तिजोरियाँ बनी, अफीम सोना चांदी रखते थे, अब ये ट्रस्ट का सेमी कोऑपरेटिव शॉप है। एक्सक्यूज मी, आपको कुछ दे रहे हैं यहाँ पर शॉपिंग में? साड़ी वाड़ी देखना? नहीं नहीं, हमें साड़ी यार कोई लेडीज होते तो देखते, मैं तो खुद ही नहीं पता साड़ियों का, लेके जाओ फिर मैं देखो खेल आए हैं पड़ोसन को दे देना। नहीं 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 भैया, चलो पड़ोसन ही ना फंसे, उन भी आफत पड़ जाओ। तो यहाँ खाना बनता था फैमिली का, फिर ये सब फैमिली के कमरे, चार कमरे, ये आगे बरामदा, इसके आगे ये कमरा, जब फैमिली रहती थी तो इस पैटर्न के कमरे होते थे, तो बारिश में लोग अंदर खाना, गर्मी और ठंडी में बाहर। और ये तिजोरियाँ होती थी, इसके अंदर आप सामान डाल दो, अंदर सामान यहाँ स्लाइड लगा लो, पेपर बिछा दो, ऊपर सामान रख लो, बंद कर दो, पेंटिंग लगा दो, ये यहाँ तक है। क्या ठंडे के काफी अंदर ना बंद है, अगर ये खोल दो तो ठंडी हवा आएगी, तो ये क्लाइमेट के हिसाब से हवेलियाँ बनी हुई है, जलवायु को देखते हुए। मोदी जी ने भी तो इन हवेलियों की प्रशंसा की है, एक महीना पहले गूगल में जाके सर्च करके देखो, पटवा हवेली नहीं, नहीं बड़ी। यहाँ सी था, समुंदर था, जैसलमेर में 16 से 17 करोड़ वर्ष। अच्छा करोड़ करोड़ सर, 2018 में कोई भारतीय दिल्ली से प्रौद्योगिकी का आईटीआई कोई कंपनी आई, उन्होंने जैसलमेर के आसपास पहाड़ी इलाकों में खुदाई किया, तो खुदाई के अंदर ये सब फॉसिल्स मिले, पत्थर गुरु आ जाते हैं। आप डबल टकरी है जी,
देखिए आप कोई सोच सकता है कि यहाँ पे करोड़ों वर्ष पहले जैसलमेर में समंदर था, ये आज से 16 से 17 करोड़ वर्ष पहले यहाँ समुद्र था, उसके बाद में ये डेजर्ट और माउंटेन में कन्वर्ट किया, तो 2018 में यहाँ कोई कंपनी आई थी IIT रुड़की गवर्नमेंट का, उन्होंने जैसलमेर में खुदाई किया, तो खुदाई के अंदर ये सब ओमोनाइट्स निकले हैं, ओमोनाइट्स, ये गोंगा है, ये शंख है, ये कछुआ है, और ये डायनासोर के अंडे है, तो इनका कार्बनिक डेटिंग किया हुआ है, ये डायनासोर के नाक है, और ये वुड फॉसिल्स है, लकड़ी है जो पत्थर में तब्दील हो गया, समुद्र था तो घना जंगल था, बड़े बड़े पेड़ थे, भूकंप आ गए, तूफान आ गए, पेड़ नीचे गिर गए, बालू मिट्टी में दब गए, हजारों लाखों साल बाद पत्थर में तब्दील हो गए, प्रीहिस्टोरिक वुड फॉसिल्स नहीं प्रीहिस्टोरिक भी लगे वो पैलियोलिथिक स्टोन्स है, मतलब आदि मानव के उसमें समझ रही है, तो ये पूरा जैसलमेर का हिस्ट्री है। क्या ये किचन ये मत दिखाओ यार, भूख लगती बार बार मेरे को। लकड़ी पत्थर बन गया आपके सामने, ये देखो जो सोने चांदी भी होता है। तो चलो साथियों, हेलो, हो गए हम यहाँ से तैयार जाने के, तैयार हो गए हम निकलने के लिए यहाँ से, आज सेकंड डे ऑफ जैसलमेर, आज हम जाएंगे फोर्ट, और फिर उसके बाद जब हम जाएंगे जैसलमेर डेजर्ट सैंड ड्यून्स। तो यहाँ का कैसा रहा होटल का आपका? होटल बहुत अच्छा था हमारा, ये रिजोर्ट था, बहुत खुली जगह थी, यहाँ पे हमने, यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, कल हमने स्विमिंग पूल का भी एंजॉय किया था, और साथ साथ यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है। इस होटल का नाम है द जैसलमेर रिजोर्ट, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, रूम भी स्पेशियस है और फैसिलिटीज भी अच्छी है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, स्टाफ भी अच्छा है सारा। सर हाँ जी, बहुत अच्छा अनुभव रहा यहाँ का, स्विमिंग पूल का भी पूरा एंजॉय किया हम सभी ने, रिजोर्ट काफ़ी अच्छा है, सारी चीज़ें जैसे डॉक्टर गौरव ने बताया काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ पे। कल हम पटू की हवेली काम ने दौरा किया था, आज अभी जैसलमेर फोर्ट जाएंगे, जैन टेंपल जाएंगे, और उसके बाद फिर आगे सैंड ड्यून्स डेजर्ट सफारी के लिए निकल जाएंगे। चलो नींद आ गई थी ठीक? ओ खूब बढ़िया रेस्ट किया और अच्छा एनर्जेटिक सुबह उठ के, और हम आज के लिए तैयार हैं पूरा एनर्जी के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आगे।